तो आज का टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई कभी भी कोई थिन लेंस होता है तो हम जो रिफ्रैक्शन उससे देखते हैं तो सारी जो रिफ्रैक्शंस होते हैं वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से देखते हैं। तो जितनी भी यह डिस्टेंसेज होते हैं यू वी और फोकल लेंथ वो सारे उसकी ऑप्टिकल सेंटर से देखे जाते हैं, उसकी थिकनेस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस द थिकनेस ऑफ द लेंस हैज बीन नेग्लेक्टेड इन कैलकुलेटिंग वेरियस फॉर्मूला। तो थिन लेंस के केस में सारी डिस्टेंसेज उसकी ऑप्टिकल सेंटर के से मेजर करते हैं, लेकिन अगर कोई लेंस सिस्टम आ जाए या ऑप्टिकल सिस्टम आ जाए जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उसमें क्या होता है दो से ज़्यादा लेंस होते हैं, तो उस समय हम एक पॉइंट नहीं ले सकते, सभी के अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर लेने पड़ेंगे। तो जैसे इसके अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं सारी डिस्टेंसेज मेजर करते हैं, तो इसके अंदर हम एक पॉइंट लेके सारी डिस्टेंसेज मेजर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग हर लेंस से वैसे कितने रिफ्रैक्शन होते हैं दो, तो हर लेंस की फोकल लेंथ हमें देखनी पड़ेगी, हर लेंस की इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हर लेंस से एक एक करके सक्सेसिवली हमें रिफ्रैक्शन देखने पड़ेंगे, तब जाकर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। जैसे इसमें एक लेंस से फाइनल इमेज बनती है, वैसे इसमें ऑप्टिकल सिस्टम में सब लेंस से मिलाकर रिफ्रैक्शन देखने पड़ेंगे तब जाकर फाइनल इमेज बनेगी। तो ये जो मेथड होता है सब लेंसों से रिफ्रैक्शन देखना, यू वी और एफ सबके अलग 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 सॉल्व करना काफ़ी टिपिकल होता है। तो इसका जो ईजिएस्ट मेथड है वो है कार्डिनल पॉइंट्स निकाल लो, किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के आप कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल प्लेन्स फाइंड कर लो, वहाँ से आपको रिफ्रैक्शन देखना बहुत इजी हो जाएगा। ये 1851 में गॉस ने ये जो डिस्कवर किया था, ये मेथड, कौन सा मेथड, कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल प्लेन निकालना किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को। तो कहने का मतलब कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम बहुत ही ईजी बन जाता है और उसके दो प्लेन बन जाते हैं, वहीं से हमें सारी रिफ्रैक्शन देखनी पड़ती है। तो ये इसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो गॉस ने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी कोएक्सियल लेंसेज होते हैं, उनकी कोई ऑप्टिकल सिस्टम है जो कोएक्सियल लेंसेज से मिलकर बना, ऑप्टिकल बेंच पे कोएक्सियल लेंसेज लगे हुए हैं, तो एक ऑप्टिकल सिस्टम बना, उससे हमें कोई इमेज बनानी है तो हमें अलग अलग लेंसेज से रिफ्रैक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम उस ऑप्टिकल पूरे जो ऑप्टिकल सिस्टम है उसको हम एक सिंगल यूनिट के से ट्रीट कर सकते हैं, पूरे ऑप्टिकल सिस्टम को एक सिंगल यूनिट से ट्रीट करना, जिसमें हमें जो डिस्टेंसेज लेनी है उसमें उस ऑप्टिकल सिस्टम की वो हमें दो हाइपोथेटिकल प्लेन से लेनी है। हाइपोथेटिकल प्लेन से हमें वो डिस्टेंस लेनी है, क्या होते हैं बताता हूँ, वो हाइपोथेटिकल प्लेन को हम कार्डिनल प्लेन कहते हैं, और वो कार्डिनल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ये हमें ढूंढने होते हैं, किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में कार्डिनल पॉइंट्स से ही हमें सारे रिफ्रैक्शन, सारे डिस्टेंसेज, लेंस फॉर्मूला हमें लगाना है, वो कार्डिनल पॉइंट्स से ही लगाने हैं हमें सारे लेंस फॉर्मूला। कार्डिनल पॉइंट अब छह तरह के होते हैं, दो फोकल पॉइंट होते हैं जिसमें दो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं जिनको गॉस पॉइंट भी बोलते हैं, गॉसियन पॉइंट भी बोलते हैं। अब जो अगर आप कोई ऑप्टिकल सिस्टम में पढ़ा आपको यू वी और सभी डिस्टेंसेज लेंस फॉर्मूला लगाना है, तो आप वो लेंस फॉर्मूले के लिए डिस्टेंसेज कहाँ से कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल पॉइंट से कैलकुलेट करोगे। तो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को कन्वीनियंट करने के लिए, आसान करने के लिए हमें छह पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिसमें दो फोकल पॉइंट, दो प्रिंसिपल पॉइंट और दो नोडल पॉइंट। मेन होते हैं दो फोकल पॉइंट और दो प्रिंसिपल पॉइंट। नोडल पॉइंट एक स्पेशल केस में काम आता है, सो प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी एज्यूम रिफ्रैक्शन टू अकर विदाउट रेफरेंस एज टू वेयर द रिफ्रैक्शन एक्चुअली अकर। हम किसी ऑप्टिकल सिस्टम में ऐसे पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो किसी ऑप्टिकल सिस्टम में वो पॉइंट एज्यूम करना जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल पॉइंट। उस ऑप्टिकल सिस्टम में एक्चुअल रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस ऑप्टिकल सिस्टम को 6 कार्डिनल पॉइंट में डिवाइड कर दिया। अब हमें रिफ्रैक्शन वहीं से देखने हैं, तो जहाँ से हम रिफ्रैक्शन देखते हैं वो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम प्रिंसिपल पॉइंट बताएंगे वो देखो,
तो ये दो लेंस, दो कोएक्सियल लेंस का सिस्टम है जिसमें कितनी सरफेस से रिफ्रेक्शन होना है, एक दो तीन चार। अगर हम एक एक सरफेस से रिफ्रेक्शन देखेंगे तो चार सरफेस हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर लोकेट करना है प्रिंसिपल लेंस और प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो पैरेलल रे आती है, इसका नाम रखते हैं ए बी, इस से रिफ्लेक्ट होती है, इमर्ज करती है, ये रे को मोड़ता है, ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये रे आगे यहाँ पर इस लेंस में इंसिडेंट होती है, ये लेंस भी इसको और बेंड करता है, और ये फाइनल इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम की फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, ठीक है। अब हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और हम फाइनल जो रे हमारी रिफ्रैक्ट हुई दोनों सिस्टम से, पूरे सिस्टम से, उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, ये जहां पर मिली वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो ये H1 और ये पॉइंट हुआ P1, तो ये जो P1 पॉइंट हुआ, देखिए ये वाली कौन सी रे, ये इमेज बनेगी यहां पर लास्ट, यहां पे क्या बनेगी इमेज। इस इमेज वाली लाइन को हमने यहां पीछे बढ़ा के यहां मिलाया, तो इस पॉइंट के इधर इधर वाला जो जगह है उसको हम बोलेंगे इमेज स्पेस, इमेज स्पेस। और ये जो प्रिंसिपल पॉइंट होगा, सॉरी, इसको बोलेंगे P2, इसको बोलेंगे H2। तो ये H2 और ये P2, तो ये हुआ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, और इस पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है वो हो गया सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट प्लेन। तो यहां पे लिखेंगे H2P2 इज सेकंड प्रिंसिपल प्लेन एंड P2 is second principal point। इसके अंदर ये incident ray, ये refracted ray first lens से, तो ये first lens का deviation angle between incident and emergent, ये second lens के लिए incident ray। ये देखिए incident ray को यहां आगे बढ़ाएंगे, यहां मिलेगी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में डेल्टा टू, डेल्टा टू, ओके। अब ये डेल्टा टू है तो ये भी कितना बना, डेल्टा टू डेविएशन सेकंड। ये वाला कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। इस इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया और तो इस सिस्टम की इमर्जेंट रे और सिस्टम की इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो बनेगा रिजल्टेंट डेविएशन एंगल, ठीक है। ये देखो, ये एंगल अगर डेल है तो ये देखो अल्टरनेटिंग एंगल, ये एंगल भी क्या होगा, डेल। सो फोकल पॉइंट्स एंड फोकल प्लेन्स। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट traveling from left to right after refraction through the optical system meet at a point, after refraction ye parallel ray ek point pe milegi, kahan par milegi, image space par, is point ko hum bolenge second focal point। to second focal point kya hoga, ye image space mein hoga। agar parallel ray after refraction through the system jis point pe milti hai principal axis par wo kehlata hai सेकेंड फोकल पॉइंट। अब यहां से जो प्लेन पास होगा, ये देखो यहां से जो प्लेन पास हो रहा है ये क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन, वो भी कौन सा, सेकेंड फोकल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, यहां पे भी लिख दो, ये है सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फिर से हम दो कोएक्सियल लेंस सिस्टम लेते हैं
और यहां पर एक पॉइंट है F1, यहां से एक रे इंसिडेंट रे इस लेंस पर इंसिडेंट होती है। ये लेंस कौन सा है कन्वर्जिंग, इसका काम क्या है, बेंड करना, लाइट को मोड़ना। तो ये थोड़ा सा इसको बेंड करता है, ऐसे मोड़ता है, ये मोड़ कर इस पर इंसिडेंट होती है ऐसे, ये देखो। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये इसकी इमर्जेंट रे थी, ये कौन सा एंगल बना, डेविएशन एंगल बना। अब क्या हुआ, इस लेंस का काम भी होगा इसका बेंड करना, इस पर इंसिडेंट रे कैसे जा रही है ऐसे, इसको आगे बढ़ाओ इंसिडेंट रे को, ये वाली ऐसे जा रही है, और ये क्या करेगा, बेंड कर देगा ये। और अब बेंड होने के बाद ये जो रे है वो कैसे जा रही है, पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक प्रिंसिपल पॉइंट के ऑब्जेक्ट स्पेस के, अगर ये ऑप्टिकल सिस्टम के ऑब्जेक्ट स्पेस पर एक ऐसा पॉइंट हो जहां से निकलने वाली रे आफ्टर रिफ्रेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ये पॉइंट कहलाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट F1 ऑन द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट साइट एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रू द ऑप्टिकल सिस्टम इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द पॉइंट F1 इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे, और ये वाली कौन सी रे, इमर्जेंट रे, फाइनल इमर्जेंट रे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाया तो यहां पर एक पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इस पॉइंट को हमने बोला पी वन, सॉरी इस पॉइंट को बोला हमने एच वन। यहां से एक प्लेन पास हुआ, इस प्लेन को बोला हमने एच वन पी वन। ये जो प्लेन होगा यहां पर, प्लेन प्लेन एच वन पी वन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, प्लेन एच वन पी वन इज नोन एज, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, एंड पॉइंट पी वन इज फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। यहां भी देख लो, ये जो डेविएशन है ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, तो ये डेल्टा टू हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे, ये देखिए ऑप्टिकल सिस्टम की इंसिडेंट रे है ना ये, और ये फाइनल इमर्जेंट रे, ये जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पर जो डेविएशन एंगल बनेगा वो रिजल्टेंट डेविएशन एंगल होगा। तो देख लो ये डेल्टा टू है, इसको आगे बढ़ाओ, ये डेल्टा टू, यहाँ पर डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो गया, फोकस पॉइंट, और यहां से जो प्लेन पास हो रहा है वो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल प्लेन, सॉरी फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। अब दोनों डायग्राम से, पिछला डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम से हम चार पॉइंट F1, F2 और P1, P2 लोकेट कर देंगे। तो ये हो गया F1, F2, ये हो गए फोकल पॉइंट्स दो, और ये दो प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो ये पूरा है ऑब्जेक्ट स्पेस, और इसके इधर वाला पूरा है इमेज स्पेस। अब इससे इमेज फॉर्मेशंस भी होती हैं, कि अब किसी कार्डिनल पॉइंट से कैसे इमेज फॉर्म करते हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।